देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पैदा हुई है अवाम के लिए, और जो यहाँ का अवाम है वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस। जो इल्जाम आज तक लगाए गए थे खानदानी राज को लेकर, यहाँ कोई खानदानी राज नहीं है। आप दिल्ली को देखिए, जहाँ पर आप पहले अपने होम मिनिस्टर को देखे, उसके कितने बच्चे, भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, वो वहाँ पे बरसरी इकतदार है। यहाँ कौन सा खानदानी राज है? अब एक बेटा है डॉक्टर फारूक का, क्या वो नहीं होगा? आवाम और यूथ के लिए क्या इनिशिएटिव लेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ के लिए सबसे जो जरूरी है, उनके जॉब के लिए।